देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री के आवास एवं सुविधाओं संबंधी मामले में सुनवाई के बाद राज्य सरकार समेत पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने रमेश पोखरियाल, निशंक, बीसी खंडूरी और विजय बहुगुणा को 11 फरवरी से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी पार्टी बनाया है, लेकिन न्यायालय ने कोश्यारी के संवैधानिक पद को देखते हुए उन्हें नोटिस जारी नहीं किया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की एकल पीठ में हुई। आपको बता दें कि देहरादून की रूलेक संस्था ने सरकार द्वारा उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा आवासीय एवं अन्य सुविधाएं अधिनियम 2019 को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें फैसला आना भी बाकी है। आज एकल पीठ ने सरकार समेत इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होनी तय हुई है। एक्ट हमने कोर्ट के सामने ये रखा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है, और कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने की स्पेसिफिक इंटेंशन से ही एक्ट लाया गया है। लेजिस्लेचर के पास, गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि स्टैट्यूटरी ओवररूलिंग के थ्रू, दिस इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी ओवररूलिंग, के कोर्ट के जजमेंट में जो मैंडमस जारी की गई है उसको ओवररूल करें, और अपनी मर्जी से जो मार्केट रेंट कोर्ट ने इम्पोज किया था प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट्स के ऊपर, तो इन्होंने अपनी मर्जी से उसको एक अपना डेफिनेशन इस रेंट की दे दी है, स्टैंडर्ड रेंट की। वो भी इतना वेग है कि अगर ये स्टैंडर्ड रेंट को कल 100 रुपये भी डिफाइन कर दें तो देन 100 रुपये दिया जाएगा। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने उस पर स्ट्रिक्ट व्यू लिया है, कोर्ट ने नोटिस दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और बाकी प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट को नोटिस जारी किए गए हैं, एक्सेप्ट जो गवर्नर हैं एक प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट, उनको नोटिस नहीं दिया गया है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बार। अदरवाइज बाकी ये 11 तारीख को फिर से